हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, यूईटी एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि एनटीए ने अनाउंस किया है कि जो भी बच्चे सीयूईटी का एग्जाम देने में फेल हो गए हैं अगस्त 4 से 6 के बीच में, यानी कि इस टाइम एनटीए ने क्या किया है, बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू की वजह से बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। तो 4 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तो जो भी बच्चे 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में जिनका भी एग्जाम हुआ, जो टेक्निकल एरर की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए हैं, उनके लिए एनटीए फ्रेश डेट अनाउंस करेगा। ये इन्होंने एनटीए ने अनाउंसमेंट की है, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना पेपर कंप्लीट नहीं दे पाए हैं टेक्निकल एरर की वजह से। नीचे देखते हैं इन्होंने क्या मेंशन किया है। इन्होंने मेंशन किया है, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अनाउंसड संडे दैट कैंडिडेट्स हु कुड नॉट सिट फॉर द टेस्ट बिटवीन अगस्त 4 to 6 will now be accommodated in fresh slot between August 24 to 28 for which new admit cards will also be issued in a few days। यानी कि जो भी बच्चे नहीं दे पाए हैं उनके लिए सेकेंड स्लॉट स्टार्ट होगा 24 से 28 के बीच में, उनके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और उसके लिए न्यू एडमिट कार्ड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तक एनटीए ने ये नोटिस प्रोवाइड की थी कि आपका सेम एडमिट कार्ड रहेगा, लेकिन अभी अभी ये अनाउंसमेंट आ रही है कि जो एडमिट कार्ड है वो चेंज हो जाएगा, आपका जल्द ही ऑफिशियल साइट पे इशू कर दिया जाएगा। तो आज संडे और संडे को ही ये अपडेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने प्रोवाइड की है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। और आप अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका टेक्निकल एरर की वजह से एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी की यही अपडेट है, आगे जो भी अपडेट मिलेगी मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू।